हेलो दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि प्रतिशत क्या है, ठीक है दोस्तों, प्रतिशत क्या है ये पिछले वीडियो में बता चुका हूं। और अब प्रतिशत के सवाल, परसेंटेज यानी कि परसेंटेज के सवाल हम कैसे सॉल्व करेंगे, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कहाँ लगेगा, क्या विधि है, किस तरीके से करना चाहिए, अब हम जानेंगे इस सवाल को। तो थोड़े ही ध्यान देखिएगा और समझिएगा, यहाँ से नहीं, यहाँ से। बहुत आसान है दोस्तों, खाली चुटकी बजाओ और सवाल सॉल्व। हाँ तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। कुछ सवाल ऐसे आपको समझाऊंगा कि आपके बुक के जो सेवन्थ क्लास के, एट्थ क्लास के, आठवीं और सातवीं क्लास के जो चैप्टर है, नाइन्थ के भी चैप्टर है परसेंटेज वाले, आप वो इजीली कर पाओगे। बहुत सारे बच्चों का सवाल ये होता है कि सर हम फॉर्मूले तो जानते हैं मगर कहाँ पर किस तरीके से उसको लगाना है, कैसे सॉल्व करना है, हम ये समझ नहीं पाते। तो खाली हमें यहाँ से नहीं, यहाँ से भी नहीं, हमें देखना है और भेजे में, इस खोपड़ी में डालना है कि हमें सवाल क्या पूछ रहा है। जब तक आप ये नहीं समझोगे कि सवाल आपसे क्या पूछ रहा है, तब तक नहीं कर पाओगे। समझना बहुत ज़रूरी है। आइए तो समझते हैं। देखिए, मैंने एग्जांपल के रूप में मैंने आपसे पांच सवाल लिखे हैं, 1 2 3 4 5। पांचों सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे फॉर्मूला लगेगा और सवाल क्या पूछ रहा है, हमें ये जानना पड़ेगा। सवाल नंबर एक, 240 रुपये का 20% यानी कि 20% कितना होगा। सवाल, 240 रुपये का 20% कितना होगा, समझ गए। आइए सॉल्व करते हैं। सवाल को एग्जैक्ट पहले लिखते हैं, तब आगे बढ़ेंगे। 240 यानी 240 रुपये का कितना दोस्तों, 20% कितना होगा। सवाल तो यही है ना, सॉल्व करते हैं। अब देखिए, 240 रुपए है, समझना बात को। 240 का को हम करते हैं मल्टीप्लाई से, समझते हैं मल्टीप्लाई 20, इसने लिखा परसेंट। परसेंट मतलब मैंने आपको शुरू बताया था कि प्रत्येक का सौवा भाग, यानी यहाँ पर क्या है 20, तो 20 का सौवा भाग आपको निकालना है, तो परसेंटेज यानी सौवा भाग ये वाला नीचे आ जाएगा। क्लियर दोस्तों, बोलो तो सही, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, सॉल्व करेंगे इसको। अब जैसे कि हम बता चुके हैं, एक जीरो से कट गया, ऊपर नीचे भाई भाई झगड़ा हो गया, नीचे वाला ऊपर वाला भाई भाई झगड़ा हो गया। अब क्या बचा बचा दोस्तों, 24 मल्टीप्लाई 2/1। क्लियर दोस्तों, अब करते हैं आगे। 24 से मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो देखिए आपका आ जाएगा यहाँ पे 48/1। आप इसको इस तरीके से लिखिए, चाहे इस तरीके से लिखिए, दोनों पर दोनों आंसर सही है। यानी कि हम कह सकते हैं कि 240 रुपये का 20% कितना हुआ दोस्तों, यहाँ पर 48 रुपीस। क्लियर, सवाल समझ गए आप, हाँ तो बोल दो कमेंट में। दोस्तों कुछ नहीं करना आपको, केवल लाइक भेजिएगा, मैं समझ जाऊंगा कि आपने वीडियो को देख लिया है। आगे बढ़ते हैं, ठीक इसी तरह से हमारा अगला सवाल भी होगा, आइए देखते हैं वो कैसे सॉल्व होगा। सवाल ने कहा है 500, 500 रुपये का 30% कितना होगा। 500 रुपये का 30% कितना होगा, सॉल्व करते हैं। 500
का 30% कितना? सवाल तो यही है ना, आगे देखते हैं। का को हमने जैसे मैं पहले बता चुका हूँ मल्टीप्लाई से लिखेंगे यहाँ पर, क्योंकि का यहाँ पर आते उसका फॉर्म बदल गया। फॉर्मूला मान लो 30% लिखा है इसने, अब परसेंटेज बोला है तो जाहिर सी बात है सौवा हिस्सा तो सौवा आ गया। ठीक उसी प्रकार से भी सॉल्व करो, भाई और भाई मर गए, नीचे वाला ऊपर वाला भी मर गया, कितना बचा दोस्तों 50 × 3। आगे बढ़ते हैं, करेंगे सॉल्व को सवाल आगे। यानी कि 150 का आंसर आया, क्लियर दोस्तों। 500 रुपए का 30% कितना हुआ 150। ओके समझ गए, अब तो हाँ बोल दो, लाइक करो इस वीडियो को दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही है तो। और यहाँ दोस्तों बात पसंद की नहीं है, बात यह कि आपको सवाल समझाया जा रहा है वो इस खोपड़ी में जा रहा नहीं जा रहा, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर समझ में आ रहा है तो दोस्तों लाइक और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि आप तो समझ गए और जो नहीं समझ पा रहे हैं कम से कम वो तो समझ जाएं।